आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलो पहले मेरी एक बात सुन लो। आज जो मैं आपको टॉप 5 पोकेमोन बताने जा रहा हूँ वो पोकेमोन लीग के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताई है, जो ज़्यादातर लोग ट्रेनर कैनन में उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैंने एक पोकेमोन इवेंट में भाग भी लिया था, तो उसके बारे में मैं भी मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। चलो अब इंट्रो लगाते हैं और आज के वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। नंबर 5 पर आता है बाबा फेट। जो आपको पता ही होगा कि बाबा फेट एक फिजिक्स टाइप पोकेमोन है, पर उसके डेस्टिनी बोन टीएम और स्टडी एबिलिटी के साथ आप उसे पीएल में यूज़ कर सकते हैं और आप बाकी पोकेमोन ट्रेनर्स को चकमा भी दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाबा फेट 5th नंबर बहुत अच्छा है पोकेमोन है, पीएल में बाकी सब बहुत इसे यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं चौथा पोकेमोन की तरफ। मेरे हिसाब से चौथा पोकेमोन होगा हिटमोनटॉप। दरअसल हिटमोन टॉप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसकी स्टडी एबिलिटी के साथ, और आपको पता ही है इसमें टॉक्सिक टीएम और इंडेवर बेस, यही दो टीएम यूज़ की जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ बहुत सारे लोग बग यूज़ करते हैं। हाँ, इसके साथ बहुत सारे लोग बग यूज़ करते हैं पोकेमोन लीग में, यही नहीं है, ये सारे जो 5 पोकेमोन है उनके साथ बस यही होता है। पोकेमोन लीग में सारे लोग उसके साथ यही करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो लोग है ना सिर्फ ये सब मस्ती के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हिटमोनटॉप चौथे पोजिशन पर अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो चलते हैं तीसरे पोकेमोन की तरफ। तीसरे पोकेमोन पर आता है फोर्ट्रेस। ये स्टील और बग टाइप है, तो आप इसे देखो, ये मेगा भी होता है पहली बात तो, ये तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें टॉक्सिक होता है टीएम, टॉक्सिक स्पाइक्स, स्टील थ्रो, और आप इसे जैसे यूज़ करना चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, मेगा में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे यूज़ करने की सलाह देता हूँ अपनी टीम में। पर बहुत ज़्यादा पोकेमोन लीग में इसके स्टडी एबिलिटी के हिसाब से इसे यूज़ किया जाता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बाकी कुछ नहीं। देखो पहली बात तो ये है ना, फोर्ट्रेस मेगा हो सकता है तो वो लोग इसे बाकी सब टीम में यूज़ करते हैं, तो मैं आपको यूज़ करने की सलाह दूंगा। ओके तो चलते आगे। तो सेकंड पोजीशन पर आता है सेडिंजा। देख ही सकते हैं मेरे मुंह से कन्फ्यूज रहे टॉक्सिक। और पहली बात तो इसके वंडर गार्ड एबिलिटी, जो सिर्फ इस पर सुपर इफेक्टिव मूव से ही हिट कर सकते हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा मूव इसे सुपर इफेक्टिव हो सकते हैं। पर आजकल तो बाकी सब बहुत टीएम यूज़ करते हैं तो पता ही नहीं चलता, तो कोई ना, आप तो यूज़ कर सकते हैं इसे ट्रिक की तरह, जैसे कोई पोकेमोन लीग ट्रिक या टिप्स भी समझ सकते हैं भाई, वो आप पे है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मैं भी इसे यूज़ करता हूँ पोकेमोन लीग में। तो चलते हैं हमारे पहले पोकेमोन की तरफ। हमारे फर्स्ट पर आता है रायहोन। जी हाँ, रायहोन, जिसके साथ स्टडी एबिलिटी स्टील थ्रो प्लस रोअर। हाँ, मैं रोअर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लाइंग टाइप पोकेमोन बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, और उसके साथ अगर आप स्टील थ्रो की यूज़ करते हो स्टडी एबिलिटी के साथ, तो वो फ्लाइंग पोकेमोन को बहुत ज़्यादा ही डैमेज करते हैं। और उसके साथ इंडेवर, जो अपने ओपोनेंट की एचपी अपने पोकेमोन के एचपी के हिसाब से कट करती है, सेम एज पोकेमोन। ओके
और स्टील थ्रो तो आप जानते ही होंगे। तो मैं आपको रायहोन यूज़ करने की सलाह दूंगा बहुत ज़्यादा, और साथ सलाह क्या आप लोग भी इसे यूज़ करते होंगे। तो आज का टॉप 5 पोकेमोन से ही ख़त्म हुए। और एक और बात, देखो मैंने एक पोकेमोन इवेंट में भाग लिया था जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो मैं उस पर फिर से थर्ड नंबर पर आ रहा हूँ। तो मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैं थर्ड पर आया था। तो देखो मैंने 3300 जैसे क्रिस्टल यूज़ किए थे वो मुझे वापस मिल गए, और उसके साथ मुझे बहुत सारे बेनिफिट भी मिले। तो आप ऐसे यूज़ कीजिए कि जिससे आपको उससे बेनिफिट हो, ना कि आप सिर्फ पोकेमोन के लिए जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उन पोकेमोन को यूज़ नहीं करते। तो मैं आपको उसे यूज़ करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग उसे यूज़ करते ही नहीं है। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप ऐसा कीजिए कि वो आपके टीम के हिसाब से सेट हो, ना कि सिर्फ पोकेमोन देखकर या वो साइनी टिकट देखकर, जिससे आप पोकेमोन का नेचर रिसेट कर सकते हैं। अगर आपको देना ही है तो कॉइंस के हिसाब से दीजिए, क्योंकि मेगा जब आप पोकेमोन मेगा एवोल्यूशन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो शायद मेरे हिसाब से आप कॉइन्स की तरफ ही ज़्यादा जाए, और आपको जैसे पता है कि 6 टीम की पोकेमोन टीम होती है, पहली बात तो ये, तो आप बहुत ज़्यादा पोकेमोन यूज़ करते ही नहीं हो, मेन आपके 6 पोकेमोन ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जो ऐसा यूज़ करते हो वो तो आप पे है, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और दूसरे वीडियो में मिलते हैं, चलो टेक देन, बाय बाय।